बनारस के प्राचीन स्थल भी अब गंगा के आगोश में समाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर कॉल करें। अस्सी घाट की यह तस्वीर कुछ ऐसा ही हाल बयां कर रही है। ये देखिए, ये वाराणसी का अस्सी घाट है, सुबह बनारस का मंच है जो अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर है वो काशी वालों की धड़कने बढ़ाने वाली है। 84 घाटों का जो संपर्क है वो अब टूट चुका है। इसके अलावा गंगा का जो जलस्तर है वो लगभग 68 मीटर तक जा पहुंचा है। हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है और निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर है इससे काशी वालों की मुश्किलें बढ़ सकती है। और अब गंगा का जो रुख है वो सीढ़ियों से उठकर गलियों की तरफ जा सकता है। सीधे यहाँ के स्थानीय लोग भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि ये जो हाल है कब से है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप? झांसी से। झांसी से हैं, कब आए थे घाट पर, क्या देख रहे हैं, क्या नज़ारा नजर आ रहा है? एक घंटा हो गया नहाते नहाते, उधर पानी बढ़ता यार दिन में भर गया है। एक घंटे में भी पानी बढ़ गया? बढ़ वो ज्यादा, आधा घंटे भी भर गया। हम लोग कफाय डूब जाए भैया, हम टेर में जाना देंगे। अच्छा, आप कहाँ के हैं? अमीनाबाद कौशाम्बी से, प्रयागराज से। हाँ। आए क्या कहेंगे, क्या परिवर्तन देख रहे हैं घाट पर? यहाँ तो चहलकदमी हुआ करती थी वहाँ तक, लेकिन अब तो जलमग्न हो गया। दो दो जलमग्न तो हो ही गया, जलमग्न हो। हाँ, बाढ़ आ गई, हमारे यहाँ भी बाढ़ आ गई जी। अच्छा, क्या परिवर्तन देख रहे हैं, कब आए थे? हम लोग आज आए हैं सुबह सुबह आए। वैसे में आप देख सकते हैं कि ये काशी का सुबह बनारस मंच है जहां पर योगाभ्यास हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो वो आयोजित किए जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अब ये भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। संभावना जताई जा रही है कि अगर 48 घंटे तक ऐसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो निश्चित तौर पर ये जो गंगा का पानी है अब वो बनारस की गलियों में जा पहुंचेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।